हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम लैटराइट्स फाइल को कवर करेंगे। देखिए, लैटराइट्स फाइल पे कुछ रिसर्च वर्क हुआ था। उनका नाम है एफ बुचानन। ठीक है, एफ बुचानन, इन्होंने कुछ रिसर्च वर्क किया था लैटराइट्स फाइल पे, और ये 1905 में किया गया। ठीक है, देखिए, इस पे इसके पहले हमने ब्लैक सॉइल कवर किया था। ठीक है, और एक बार आप रिविज़न कर लीजिएगा उसको, और इसके बाद ये सेकेंड हमारा पार्ट है लैटराइट्स सॉइल। सॉइल्स हम लोग कवर कर रहे थे लास्ट वीडियो में। तो जो ये नेम है लैटराइट, ठीक है, नेम जो लैटराइट है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है। तो हमने कभी डिस्कस किया होगा बायोलॉजी या कहीं पे हमने डिस्कस किया होगा कि एक्चुअली देखिए बायोलॉजी में जितने वर्ड्स होते हैं ना, मोस्टली जो नॉमेनक्लेचर है वहाँ वो सारी चीज़ें यहीं से ली गई हैं। लैटिन वर्ड का ही यूज़ किया गया है, इसलिए हमें थोड़ा सा वो वर्ड हमारे लिए अनकॉमन होता है तो हमें थोड़ा सा अलग लगता है ना, क्योंकि वो इंग्लिश से भी बहुत मैच नहीं करता, वो अलग है बिल्कुल, है ना। अच्छा, इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जैसे जो हमारा ये लैटिन लैंग्वेज है, ये एक डेड लैंग्वेज है। ठीक है ना, डेड लैंग्वेज, इसमें कोई जो है नए वर्ड्स यूज नहीं, ऐड नहीं होते हैं, जबकि इंग्लिश और हिंदी जैसे उसमें या फिर और भी जो लैंग्वेजेस हैं इसमें नए नए वर्ड्स यूज़ हुआ करते हैं। तो ये डेड लैंग्वेज होती है, तो इसमें जो है एक ईजी होता है कि फिर इसमें कोई चेंजेस तो होना नहीं है, तो इसलिए इसको ले लिया जाता है। तो हम बात कर रहे थे लैटराइट्स फाइल की। ठीक है, लैटराइट जो वर्ड है वो लैटिन से वर्ड से लिया गया, और इस जो वर्ड है उसका नाम है लेटर। ठीक है, लेटर मतलब होता है ब्रिक। ठीक है, तो देखिए, दीज सॉइल्स आर सॉफ्ट एज बटर। ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं सॉइल्स। ठीक है, लेकिन जब ये वेट हो जाते हैं तो ये हार्डर हो जाते हैं। दे बिकेम हार्डर एज अ ब्रिक व्हेन ड्राई। ठीक है, ये ब्रिक के जैसे, पत्थर जैसे हो जाते हैं। पत्थर मतलब एक आप ब्रिक मतलब समझते हैं, ईंट, ईंट की तरह ये जो है आप टफ हो जाते हैं। ठीक है ना, हार्ड हो जाते हैं, जो पहले बहुत सॉफ्ट हुआ करते थे। तो ये चीज़ होती है। अब देखिए, कुछ एरियाज हैं इनके लैटराइट सॉइल, कहाँ पे देखिए, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया देख लीजिए, है ना, नॉर्थ ईस्टर्न मिल रहा है। इसके बाद जो है आपका ईस्टर्न कोस्ट में है। ठीक है, फिर जो है साउदर्न टिप पे भी है। तो अभी हम इसको देखेंगे कहाँ पे, पहले हम ये देखते हैं लैटराइट सॉइल जो है वो उसके बनने की कंडीशंस क्या है। ठीक है, तो लैटराइट सॉइल इज फॉर्म्ड अंडर द कंडीशन, क्या कंडीशंस है? पहला कंडीशन है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होती है, विद ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई पीरियड। ठीक है, तो एक बार ड्राई सीजन आता है, फिर वेट, फिर ड्राई, फिर वेट, तो ऑल्टरनेटिव वे में ये आता रहता है। दो चीज़ पहले क्या होना चाहिए प्रिकर्सर है इसके लिए, पहला तो हाई टेम्परेचर और दूसरा जो हमारा हेवी रेनफॉल। ठीक है, ये चीज़ हो गई, विच लीड्स लीचिंग ऑफ सॉयल, लीविंग ओनली, देखिए ये जो है ना क्या होता है कि ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम ही बच पाता है। लीचिंग मतलब क्या होता है? अब बारिश हो रही है एक बार, ठीक है, आप समझिए, सोचिए, कुछ इमेजिन करिए, जब कोई जो यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं तो उसको इमेजिन करिए कि कोई रॉक सरफेस है, एक बार बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, एक बार जो है वो जो बिल्कुल ड्राई सीजन आ रहा है, तो जब ड्राई आ रहा है तो बिल्कुल वो एकदम हार्ड हो जा रही है ना। अब जब बारिश हो रही है तो फिर वो सॉफ्ट होके, तो ऐसा हो जाता है ना कि फिर वो धीरे धीरे ना, धीरे धीरे पानी जब ड्राई और वेट सीजन आता रहता है तो जब बारिश होती है तो फिर वो लीच आउट हो जाता है, मतलब वहाँ से वो जो है टूट टूट के बिखर के बाहर वहाँ से हट जाता है, अपना डिस्प्लेस हो जाता है अपनी जगह से। ठीक है ना, सॉइल तो ये हमारा है, और क्या बचता है? बचता है ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम। Humus content of the soil is removed fast by the bacteria and that thrive well in the high temperature. ठीक है, तो क्या होता है कि जो ह्यूमस, जो ह्यूमस कंटेंट होता है, ह्यूमस जो पार्ट होता है सॉइल का, ये रिमूव हो जाता है, रिमूव्ड फास्ट बाई द बैक्टीरिया। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया में जो हाई टेम्परेचर में जो है सर्वाइव कर सकते हैं, उनके थ्रू जो ह्यूमस पार्ट होता है वो रिमूव हो जाता है। दिस सॉइल आर पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑर्गेनिक, अच्छा आप मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में कि जो ब्लैक सॉइल है क्या उसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है। ठीक है, और क्या क्या होता है, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ हो गई। अब क्या है कि ये जो हमारा है, ये सॉइल्स है पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम। ठीक है, विद आयरन एंड पोटास आर इन एक्सेस, वाइल आयरन एंड पोटास आर इन एक्सेस। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या नहीं होता, जो जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है वो तो है ही नहीं इसमें, ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, फॉस्फेट नहीं है, ठीक है, कैल्शियम भी नहीं है। क्या चीज़ है इसमें? आयरन ऑक्साइड है एंड पोटास, ये एक्सेस में होता है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड एंड पोटास इज इन आर इन एक्सेस। ठीक है, तो ये एक्सेस में होता है, ऑर्गेनिक मैटर नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड कैल्शियम वो जो है नहीं होता है। ठीक है, हेंस लैटराइट आर नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। ठीक है, जब कुछ है ही नहीं इसमें, सिर्फ और आयरन ऑक्साइड और पोटास से तो काम नहीं चलेगा ना, तो ये सुटेबल नहीं होता कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, हाउ एवर द एप्लीकेशन ऑफ द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द सॉइल फर्टाइल फॉर कल्टीवेशन। अब हम क्या कर सकते हैं,
हम जो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, इनका यूज़ करके हम जो है सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं और उनको कल्टीवेशन के जो है लिए हम प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें एक्स्ट्रा कुछ बाहर से डालना पड़ेगा, तब हम जाके ये जो है इसकी फर्टिलिटी बढ़ पाएंगी और तब जाके इसको हम यहाँ पे एग्रीकल्चर कर पाएंगे, ठीक है। तो दे आर वेल डेवलप्ड इन द पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न घाट, ठीक है, वेस्टर्न घाट में, ठीक है, वेल डेवलप्ड इन द पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ये मैप देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एक वेस्टर्न घाट का एक पूरा सीधा जो है ये स्ट्रिप है, ठीक है। तो ये वेस्टर्न घाट में है, ईस्टर्न घाट देखिए यहाँ पे है ना, देखा था, तो वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और साउथ महाराष्ट्र, ठीक है, साउथ महाराष्ट्र, पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, साउथ महाराष्ट्र। अभी अभी मैं मैप एक बार फिर से दिखाऊंगी, आप इसको एक बार समझ लीजिए। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, साउथ महाराष्ट्र, पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, झारखंड। तो देखिए ये सब कैसे फैला हुआ है ना, यहाँ पे है ना, ये देखिए तमिलनाडु में भी है, ठीक है, कर्नाटका में है, ये देखिए ये सारा उड़ीसा में है, झारखंड में है, ठीक है। तो ये जो है पूरा नॉर्थ ईस्ट में है। तो अभी हम आगे इसको भी देखते हैं, मेघालय एंड आसाम, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है लैटराइट सॉइल मिलता है। लैटराइट सॉइल इज वाइडली स्प्रेड इन इंडिया, ठीक है, वाइडली स्प्रेड इन इंडिया एंड कवर एन एरिया ऑफ 1.26 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। इट इज मोस्टली, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए लैटराइट सॉइल इज वाइडली स्प्रेड इन इंडिया, ठीक है, वाइडली स्प्रेड है इंडिया में, 1.26 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इट इज मोस्टली स्प्रेड इन द केरला, दैट इज मलाबार कोस्टल रीजन जो है, ठीक है, फॉलोड बाई द महाराष्ट्र। इन लेटराइट सॉइल देर इज अ कॉमन रिलेशन फाउंड बिटवीन द हाइट एंड द केमिकल कॉम्पोजिशन, ठीक है। द अपर पार्ट्स आर मोर एसिडिक दैन द इनर वन, ठीक है। तो जो अपर पार्ट होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है, जबकि हम इनर पार्ट में, अगर इनर हम इंटीरियर में थोड़ा सा जाएँ तो वहाँ पे एसिडिटी कम हो जाती है। तो ये जो हाइट और केमिकल कॉम्पोजिशन, कोई भी सवाल होता है तो ये जो इसका रिलेशन होता ही है, केमिकल कॉम्पोजिशन कैसा है उसका, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा कहाँ पे कोस्टल जो एरिया है मलाबार का, केरला और महाराष्ट्र में मिलता है, ठीक है। अब देखिए एक कंप्लीट सॉइल क्वेश्चन है आपके लिए कि कौन से सॉइल को हम कंप्लीट सॉइल कहते हैं, ठीक है, वो प्रोफाइल उसका एक तरीके से कंप्लीट बना देता है, तो कौन सा सॉइल है वो, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लैटराइट सॉइल्स ऑफ इंडिया आर करेक्ट, कौन सा सही है। दे आर जनरली रेड इन कलर, ठीक है, तो बिल्कुल रेड होंगे, हमने कहा था ना आयरन ऑक्साइड और फॉस्फेट होता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली रेड इन कलर होगा। नेक्स्ट है, दे आर रिच इन नाइट्रोजन, पोटास नहीं होता, ठीक है, नाइट्रोजन कहाँ होता है इसमें, तो ये गलत हो गया। दे आर वेल डेवलप्ड इन राजस्थान उत्तर प्रदेश, तो ये जो है हमारा वेल डेवलप्ड राजस्थान उत्तर प्रदेश, ये ऐसा नहीं है, ठीक है, कहीं कहीं पैचेस में मिल जाता है लेकिन ये पूरा वहाँ पे नहीं है। तो और नेक्स्ट हमारा है, टोपियोका एंड कैश्यू नट्स ग्रोज वेल इन दीज सॉइल्स, तो ठीक है, आप अगर ऐसे नहीं कनेक्ट कर पा रहे होंगे तो आपको पता है ना कि जो केरला और महाराष्ट्र रीजन, वहाँ पे कैश्यू नट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये जो है, और आपको ये भी पता है कि केरला में जो है ये आपका लैटराइट सॉइल भी होता है, तो आप इसको यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे कि जो टैपियोका और जो हमारा कैश्यू नट्स है ये जो है वेल डेवलप्ड, वो ग्रो करते हैं कहाँ पे, इन सॉइल्स में, ठीक है, इन सॉइल्स में, कौन से सॉइल्स में, लैटराइट सॉइल में, ठीक है। तो हमारा 1 और 4 जो है राइट हो जाएगा। देखिए लैटराइट सॉइल इज रेड इन कलर ड्यू टू द वाइड डिफ्यूजन ऑफ द आयरन ऑक्साइड थ्रू द मटीरियल ऑफ द सॉइल, ठीक है। जनरली लैटराइट सॉइल इज डिफिशियंट इन नाइट्रोजन, लाइम, ह्यूमस, पोटाश, ठीक है, बट रिच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम। तो देखिए जब ब्लीचिंग होती है ना तो सारी चीज़ें बह के चली जाती हैं, बस बचता क्या हमारा आयरन और एल्यूमिनियम है, ठीक है। तो ये बिल्कुल जो है हमने भी देखा था, आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे तो आप जो है चीज़ें क्लियर कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो डिफिशियंट किस में होता है, नाइट्रोजन, लाइम, ह्यूमस, पोटास और रिच होता है आयरन और एल्यूमिनियम। सबसे ईजी है याद करने में, बस आपके पास इसमें आयरन और एल्यूमिनियम के अलावा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है ना, बहुत होता है ट्रेस अमाउंट पे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो लैटराइट सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन साउथ महाराष्ट्र, पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, केरला, मेघालय, ठीक है। टिपिकल लैटराइट सॉइल जनरली लैक फर्टिलिटी एंड आर ऑफ लिटिल यूज फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। टोपियोका एंड कैश्यू नट्स ग्रोज वेल इन दिस सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, assertion and reason, ठीक है। assertion क्या है, the percentage of net shown area in the total area of Andhra Pradesh is less as compared to that of West Bengal, ठीक है। तो अब ये जो है question थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है, क्या है, परसेंटेज ऑफ नेट शोन एरिया, नेट शोन एरिया। अब आपको ये सब आप एग्रीकल्चर डाटा वगैरह गो थ्रू करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें और करनी चाहिए, आप वेबसाइट वगैरह आप उसको चेक विजिट करने करते रहना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन अच्छा है, क्या कह रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ नेट शोन एरिया इन
इन द टोटल एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश इज लेस देन कंपेयर टू द वेस्ट बंगाल. तो मतलब वेस्ट बंगाल में नेचुरल एरिया ज़्यादा है देन अगर हम कंपेयर करें आंध्र प्रदेश से. तो ये सही है, ठीक है. द सॉयल ऑफ द मोस्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश इज लेटराइट. तो ये जो हमारा गलत हो जाएगा. अभी हमने कहाँ देखा, देखिए हमने अभी अभी जस्ट देखा है कि जो लैटेराइट सॉइल हमारा साउथ महाराष्ट्र में और पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, केरला, मेघालय यहाँ पे मिलता है, ठीक है, हो गया. अब चलिए इसको हम देख लेते हैं. नेट शोन एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल इज अप्रोक्सीमेटली 60%, ठीक है, लेकिन आंध्र प्रदेश में 40% ही है सिर्फ. तो ठीक है, क्लियर है, पहला सही हो गया हमारा. तो स्टेटमेंट एक सही है. द लैटेराइट सॉइल इज फॉर्म इन हेवी रेनफॉल एरियाज बाय लीचिंग, ठीक है. तो लीच हो जाता है और बचता क्या है, एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड, ठीक है. दे आर वेल डेवलप्ड इन द पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, साउथ महाराष्ट्र, पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, झारखंड, असम एंड मेघालय, ठीक है. आंध्र प्रदेश हैज रेड सॉइल एंड एलुवियल सॉइल इन द मोस्ट पार्ट्स ऑफ इट्स एरिया, ठीक है. तो आंध्र प्रदेश में कौन सा है, लैटेराइट नहीं बल्कि रेड और एलुवियल सॉइल मिल रहा है, ठीक है ना. तो ये हमारा हो गया आंसर. और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैटेराइट सॉइल इज फाउंड इन, कहाँ मिलता है लैटेराइट सॉइल, महाराष्ट्र में मिलता है. इट इज फाउंड इन महाराष्ट्र, ठीक है, ठीक है ना, महाराष्ट्र में मिलता है, याद है. तो चलिए, लैटेराइट सॉइल इज फाउंड इन टिपिकल मानसून कंडीशन सच एज हाई टेम्परेचर एंड हेवी रेनफॉल, वेट एंड ड्राई पीरियड्स, ठीक है, अभी हमने देखा था. उसके बाद है द अल्टरनेशन ऑफ वेट एंड ड्राई सीजन लीड टू द लीचिंग अवे ऑफ जो हमारे जो सिलिका के मटेरियल्स होते हैं, सिलीसियस मटेरियल्स होते हैं, मैटर्स होते हैं एंड लाइम जो होता है वो जो है लीच आउट हो जाता है एंड सॉइल रिच इन ऑक्साइड्स एंड ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम कंपाउंड इज लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है. दीज आर लीस्ट soils of wet humid tropical regions which are less fertile. They are well developed in the parts of western ghat, eastern ghat, southern maharashtra, parts of karnataka, theek hai, andhra pradesh, odisha, west bengal, kerala, jharkhand, assam and meghalaya. Laterite soils are widely spread in india and cover an area of 1.26 square kilometer, theek hai. Laterite soil is mostly spread in kerala, दैट इज मालाबार कोस्टल रीजन एंड फॉलोड बाई द महाराष्ट्र. सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलेगा, केरला में, ठीक है, टॉपियोगे और कैशनेट वहीं पर मिलता है महाराष्ट्र में. एंड केरला इज नॉट प्रेजेंट इन द ऑप्शन, सो मोस्ट जो प्रेफरेबल आंसर हमारा महाराष्ट्र होगा. अगर केरला होता तो केरला विल बी द राइट आंसर, ठीक है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लैटेराइट सॉइल आर प्रीडोमिनेंट इन, कहाँ पे, मालाबार कोस्टल रीजन, ठीक है, मालाबार कोस्टल रीजन केरला वाला, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर लैटेराइट सॉइल. तो पहला हमारा देखते हैं, दे आर द सॉइल्स ऑफ ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है, सही है, बिल्कुल ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन का है, ठीक है. और दे आर हाईली लीच्ड सॉइल, बिल्कुल ये भी सही है. अगर एग्जाम में आ गया हाईली लीच्ड सॉइल कौन है तो लैटेराइट जो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है. देयर फर्टिलिटी इज लो, ये भी सही है. दे आर रिच इन लाइम, लाइम कहाँ होता है, उसमें आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम के ऑक्साइड्स होते हैं ना, बस लाइम नहीं होता है. नेक्स्ट हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया इज रेंडर्ड इनफर्टाइल बाई द प्रेजेंस ऑफ द एक्सेस ऑफ आयरन, है ना. तो ये कौन सा हमारा लैटेराइट ही है ना. Among the above soils, only laterite soils have iron oxides. Hence, laterite soil in India is rendered infertile by the presence of the excess of iron. ठीक है, तो हमारा जो है, देखिए हमारा ऑप्शन जो है, जो जो ऑप्शन इसमें लेटराइट सॉइल के बारे में ही हम कनेक्ट कर पाएंगे इसको. और जो नेक्स्ट हमारा है वो है एलुवियल सॉइल, ठीक है. तो एलुवियल हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू.